नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं। तो आज हम ऐसी वीडियो या ऐसा टॉपिक आपको करा रहे हैं भाई, जिसे हिंदी से इंग्लिश के जो वर्ड हैं उसको आप या किसी का भी नाम आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। भाई वीडियो को आपको पूरा देखना है। भाई हमने ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ वर्ड लिखे हुए हैं या कुछ शब्द लिखे हुए हैं या कुछ नाम लिखे हुए हैं, उन नामों को आप सीख कर आप कोई भी अंग्रेजी या हिंदी से इंग्लिश में आप उसको लिख सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ कुछ शब्दों को लिखा है, कमल, रमन, अमन, अनिल, कपिल, अमीन, शीला, सुनीता, कविता। भाई हम ये मात्रा बताते हैं, भाई किस जहाँ छोटी ए की मात्रा होती है वहाँ क्या लगता है, जहाँ आ की मात्रा होती है वहाँ क्या लगता है। तो आप किसी के भी नाम को 100% गारंटी के साथ कहते हैं भाई, आप अंग्रेजी में नाम लिखना या अंग्रेजी का जैसे उच्चारण करना आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। भाई एक बार फिर से, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से वीडियो को नीचे लाइक कीजिए और चलो हम आपको सिखाते हैं। लेकिन वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है भाई, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये पहला कमल है, कै मै लय, तो इसको हम कैसे करें, कै मै लय। तो जैसे हम आपको अक्षरों को जोड़ना, भाई इसके अंदर अनिल है तो इसके अंदर हम मात्रा कैसे लगाएंगे, ये कपिल है तो इसके अंदर हम कौन सी मात्रा होती है, जैसे इसके अंदर छोटी की मात्रा लगी हुई है इसके अंदर भी छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसके अंदर ये क्या है बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें बड़ी की लेकिन छोटे उ की मात्रा लगी हुई है, इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो हम वर्णों को जोड़ना या नाम लिखना आपको अच्छी तरह से 100% गारंटी के साथ आप नहीं भूलेंगे जीवन भर, ऐसी ट्रिक बताएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारे पास कै मैल है, तो कैसे क्या बनता है, कैसे हम लिखेंगे के, जैसे हम यहां लिखते हैं हम कै मैल है, कै मैल है, तो के प्लस ए एम, यहां मैं प्लस करके दिखा देता हूं, प्लस एम ए प्लस ए डालेंगे हम इसके अंदर प्लस लय, तो ये क्या बनेगा, कै ए एम ए एल, तो ये हमारा हो जाएगा कै मैल कमल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम जैसे कै का अगर हम उच्चारण करते हैं तो कै में किसकी आवाज आती है, कै में किसकी आवाज आती है, जैसे कै प्लस ए, तो कै में किसकी आवाज आती है, हमारी ए की आवाज आती है, तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे या ए लगाएंगे हम इसके अंदर। आगे जैसे हमारे पास है रे मैंने, तो रे किससे बनता है, आर से बनाएंगे हम इसके अंदर, आर प्लस ए, इसमें भी मै की आवाज ए की आवाज आती है तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एम प्लस ए प्लस एन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर ए एम एम ए एन रमन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रमन हो जाएगा, ये हमारा रमन हो जाएगा, क्योंकि रे में भी ए की आवाज आती है और मै में भी ए की आवाज आती है और ने ने तो अकेला है, अगर इससे आगे और अक्षर होता तो हमें यहाँ फिर ए लगाना पड़ता क्योंकि यहाँ हमारा खत्म हो चुका है इसके अंदर, तो इसीलिए हम इसके पीछे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ए का यूज कर देंगे इसके अंदर तो रे में ना हो जाएगा, ने के पीछे अगर, क्योंकि यहाँ ए और ए को जोड़ते हम क्या बनता है, अगर हम देखो अगर ए प्लस अगर ए को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आ को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें ए की आवाज आती है उच्चारण आता है, और ए अगर ए लगा देंगे तो ए ए हो जाएगा, तो इसीलिए ए और ए क्या हो जाएगा हमारे पास, आ हो जाएगा, तो इसीलिए हम रमना ये बन जाएगा, तो इसीलिए हम इसके पीछे नहीं लगाएंगे। तो आपके ये डाउट होगा भाई इसके पीछे क्यों नहीं लगाते, आवाज़ तो इसके अंदर भी आती है लेकिन इसके पीछे हम इसी कारण से नहीं लगाएंगे।
उसके बाद है जैसे ए मैंने, ए प्लस एम प्लस ए प्लस एन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एम ए एन ए अमन, ये हमारा हो जाएगा अमन। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आपने लाइक नहीं किया चैनल को तो आप जल्दी से लाइक कीजिए। उसके बाद है जैसे हमारे पास यहाँ है अनिल, क्या आता है ए नीले, तो हम क्या लिखेंगे, आप देखो हमारे पास इसमें छोटी की मात्रा आती है, क्या आती है छोटी की मात्रा लगा रहे लगी हुई इसके अंदर, तो ए प्लस एन प्लस, अगर जहां हमारी छोटी की मात्रा लगती है, जहाँ हमारी छोटी की मात्रा अगर लगती है तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। तो आई प्लस एल, तो ये हमारा हो जाएगा ए नीले, ए नी ले, तो इसको हम ऐसे उच्चारण लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ है कपिल, क्या आता है कपिल, आता है कपिल, तो के प्लस पी प्लस आई, सॉरी के प्लस ए प्लस पी प्लस आई प्लस एल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कपिल, क्या हो जाएगा कैपिल है, तो इसे क्या हो जाएगा कपिल, तो के ए पी आई अल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कपिल, ये हमारा हो जाएगा कपिल। उसके बाद है अब जैसे हमारे पास आता है एमीन, क्या आता है अमीन, तो ए लगाएंगे हम इसके अंदर, ए प्लस एम, अब देखो यहाँ कंफ्यूज की बात है थोड़ी सी, अगर हमारे पास जैसे बड़े की मात्रा लगी हुई है, जहाँ हमारे पास देखो यहाँ बताया था, अगर जहाँ हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हम आई का प्रयोग करते हैं, और जहाँ हमारे पास बड़े की मात्रा लगी होती है, जहाँ हमारे पास बड़े की मात्रा लगी होती है तो हम वहाँ किसका प्रयोग करेंगे डबल ई, क्या लगाएंगे हम डबल ई का प्रयोग करेंगे, तो प्लस डबल ई लगाएंगे हम इसके अंदर, ये प्लस डबल ई प्लस एन, तो ये हो जाएगा हमारा अमीन, क्या हो जाएगा अमीन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी तरह से अच्छी लगी होगी, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। उसके बाद आगे हमारे पास है शीला, आता है हमारे पास, तो इसमें लिखेंगे हम एस, किससे बनता है एस, बनता है एस एच से, ये से किससे बनता है एस एच से, एस और एच अगर आता है ये, इसको हम दोवे वाला दो वाला से बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो एस प्लस एच, अब देखो ये किसकी है बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो जहां हम बड़ी की मात्रा का यूज करते हैं वहां हम डबल ई का प्रयोग करेंगे, वहां किसका हम प्रयोग करेंगे डबल ई का प्रयोग करेंगे, तो प्लस डबल ई आगे ठीक है, प्लस अब एल प्लस, देखो वहां कंफ्यूजन थी क्या थी, जैसे पीछे अगर यहाँ अभी बताया था अगर किसी के पीछे आ की मात्रा लगी होती है तो हम वहाँ ए का ही प्रयोग करेंगे, तो जैसे हमारे पास यहाँ हमने जैसे इसके पीछे अगर आ की मात्रा लगी हुई है तो हम इसके अंदर ए का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा ये एस एच डबल ई एल ए, ये हमारा हो जाएगा शीला, क्या हो जाएगा शीला। उसके बाद हमारा है सुनीता, क्या आता है सुनीता, जहाँ हमारे पास छोटे उ की मात्रा लगी होती है, ये हमारी छोटे उ की मात्रा होती है, जहाँ हमारी छोटे उ की मात्रा होती है हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं यू का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं यू का प्रयोग करते हैं, और जहाँ हमारे पास बड़े ओ की मात्रा लगी होती है वहाँ हम डबल ओ का
प्रयोग करते हैं, वहाँ हम डबल ओ लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम वहाँ? डबल ओ का यूज करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ सुनीता, तो एस, ठीक है, क्योंकि इस से देखो एस एच से ये से बनता है, अगर ये से आता है से सेलेक्ट वाला तो सिर्फ अकेला हम एस का ही यूज करेंगे। तो एस प्लस यू प्लस क्या है एन, उसके बाद है हम डबल ई का, यहाँ क्या है डबल ई का, क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है, अगर यहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे। डबल ई, डबल ई सुनी प्लस टी प्लस ए का हम यूज करेंगे। तो एस यू एन डबल ई टी ए, तो हम यहाँ इसके अंदर सुनीता, तो हमारा ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ छोटे ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो आई का प्रयोग करेंगे हम, किसका प्रयोग करेंगे हम, आई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ कविता, क्या आता है कविता, तो हम यहाँ के प्लस ए प्लस वी, कवी, अगर हमारे पास यहाँ छोटे की मात्रा है तो हम यहाँ इसके अंदर आई का प्रयोग करेंगे, प्लस टी प्लस ए, तो हमारी ये क्या हो जाएगी कविता। तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे के वी, के ए वी आई टी ए। तो प्लीज़ ये हमारे कुछ हिंदी में अक्षर थे, वर्ड थे, शब्द लिखे हुए थे, तो उनको हम उच्चारण करना आपको सिखाया है। भाई इसको सीख के आप किसी का भी नाम या कोई भी अंग्रेजी का जो शब्द है उसका हम आप आसानी से उच्चारण कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। भाई आप सभी का एक बार फिर से मैं चैनल के ऊपर धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, और बेल प्रेस जरूर करना भाई ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।